बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। जय हिंद साथियों, मैं रविशंकर स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पुलिस रवि ब्लॉग्स में। साथियों, आप सभी के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म में मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, और आप लोगों ने ये तो तक समझ ही लिया होगा कि मैं बिहार पुलिस का जवान हूँ। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या कारण है जो हमने ब्लॉग स्टार्ट किया। इसके लिए आपको पूरा एंड तक ये वीडियो को देखना होगा। चलिए बिना देर किए हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। देख रहे होंगे ये ट्रेनिंग का जगह, यहीं पे ट्रेनिंग होता है, हम लोगों का भी ट्रेनिंग इसी ग्राउंड में हुआ था। दोस्तों, ये मेरा पुलिस लाइन का बैकग्राउंड था जो कि अभी फिलहाल आपने देखा। तो चलिए लेके अब चलते हैं हम आपको वो बातें पे जो मैंने आपको प्रॉमिस की, मैं ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया हूँ। तो साथियों, इनके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पुलिस की क्या गतिविधि होती है और इनके कार्य क्षमता, इससे जनता जनार्दन कितनी खुश रहते हैं और इनको क्या करने से ज़्यादा जनता प्रभावित होंगे, वो सब सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखना। और जितने भी गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं और ख़ास करके मेरे गांव समाज के जो बच्चे हैं, वो हमेशा हमें बोलते रहते कि भैया कोई तो ऐसा चैनल चालू कीजिए जिससे मुझे डिफरेंस का तैयारी करने के लिए मदद मिले। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो बच्चा दौड़ में पीछे है, पिछड़े हुए हैं या कूद नहीं हो रही है, दौड़ नहीं बन रहा है, तो अगर वो चाहेंगे तो मैं उनको निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, समझाऊंगा कि दौड़ कैसे पूरी करें, 5 नहीं 4.5 मिनट में पूरा 1600 मीटर दौड़ कैसे पूरा किया जाएगा, क्या खाने से एनर्जी बनेगी, वो सारी बातें मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप तो जानते ही हैं कि बिहार पुलिस की ड्यूटी 24 घंटा होती है, फिर भी उसमें से जो टाइम निकल जाता है ड्यूटी करने के बाद भी, तो इस सोशल मीडिया के ज़रिए मैं उस टाइम को न गवाते हुए आप लोगों के दिल में रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये भाई का बात विचार आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसलिए कि आप कमेंट करेंगे क्या सही है क्या गलत है, पुलिस के प्रति आपका कितनी श्रद्धा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए। वंदे मातरम, भारत माता।